महमूदाबाद तहसील में इस वक्त मौजूद हैं और वकीलों पर भी अत्याचार होना शुरू हो गया है। लगातार जो है वकील जो है धरना दे रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। इससे पहले भी वकीलों पर, क्योंकि अगर किसी को भी समस्या होती है तो सबसे पहले जो है उनके दुख सुख में साथ देने वाला एक वकील ही होता है, लेकिन आज के दौर पर अगर देखा जाए तो पूरे यूपी में लगातार जो है वकीलों की पिटाई हो रही है, पुलिस कर्मियों द्वारा जो है पिटाई की जा रही है। एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, उसी संबंध में आज जो है यहाँ महमूदाबाद तहसील के सभी अधिवक्ताओं के द्वारा जो है रैली निकाली गई है। अध्यक्ष जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है अध्यक्ष जी आपका? राजेंद्र प्रसाद वर्मा। आज किस संबंध में रैलियां निकाली गई हैं, आखिर क्या मामला हुआ था? हापुड़ में वकीलों के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया था, उसी संदर्भ में रैली थी। हम लोगों को मांग है कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको बर्खास्त किया जाए और इसकी जांच किसी हाई कोर्ट के जज या रिटायर्ड जज से कराई जाए, जिससे निष्पक्ष जांच हो सके। इसमें अगर पुलिस प्रशासन ही जांच करेगा तो कोई जांच निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। अच्छा, ये वकीलों पर भी जो अगर देखा जाए, क्योंकि वकीलों का एक संगठन जो होता है बहुत ही मजबूत संगठन होता है, अगर वकील चाहे तो सारे काम बिल्कुल जो है समाप्त कर देंगे, तो क्या लगता है कि लगातार इस सरकार में वकीलों पर अत्याचार जो हो रहा है ये कब तक बंद होगा? ये सरकार निरंकुश हो गई है, उसको सबक सिखाना है। सरकार चेते और वकीलों का सम्मान करे, वकीलों पर इस तरीके से हमले न हो, वकीलों के इस तरीके से हत्या न हो, तभी ये सुलझेगा, वरना आंदोलन चलता रहेगा। यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ के प्रशासन के द्वारा क्या सहयोग मिल रहा है? आश्वासन मिल रहा है, प्रशासन सहयोग कर रहा है। बाकी हमारी मांग है जो हापुड़ में जो हुआ है उसके संदर्भ में उनकी समस्याओं का समाधान हो, उनको न्याय मिले और जो दोषी कर्मी हैं, पुलिस कर्मी जहाँ हो, चाहे प्रशासन के कोई कर्मी हो, उनको सबको दंडित किया जाए। क्या लगता है कि आप लोग जो है लगातार जो है रैलियां निकाल रहे हैं, क्या लगता है कि आश्वासन मिल पाएगा? क्या वकीलों पर जो पुलिसकर्मी जो पिटाई करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, क्या उन पर कार्रवाई होगी जो दोषी हैं? बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई, जब हम लोग संघर्ष कर रहे हैं तो कार्रवाई तो उम्मीद हम लोग कर ही रहे हैं, बिल्कुल कार्रवाई होगी। तो कब तक आप लोग जो है लगातार रैलियां निकालते रहेंगे? ये तब तक जब तक के न्याय नहीं मिलेगा, जब तक जो है अधिवक्ताओं को न्याय नहीं मिलेगा, तो सभी अधिवक्ता सभी तहसील के अधिवक्ताओं द्वारा लगातार जो है मांग है, सरकार से भी मांग है और प्रशासन से भी, लगातार जो है वकीलों पर। अब देखिए कि इस सरकार में ना तो पत्रकार सुरक्षित है, ना वकील सुरक्षित है, अब कौन है सुरक्षित? क्योंकि जब पुलिस प्रशासन देश तक जो बताया जा रहा है वही जो है सीतापुर के संज्ञान में आया कि हापुड़ में अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के संदर्भ में जांच कमेटी गठित की गई है, जिसके मंडलायुक्त मेरठ की अध्यक्षता में आईजी पुलिस मेरठ और डीआईजी पुलिस मुरादाबाद को नामित किया गया है। महमूदाबाद सीतापुर के अधिवक्ताओं को कमेटी के निष्पक्ष जाँच की आशा नहीं है। आपसे अनुरोध है कि जांच कमेटी में एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश व बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को भी नामित किया जाए, वह दो अन्य किसी भी उसमें जोड़े जाए जो पुलिसकर्मी न हो, तथा अधिवक्तागण जांच कमेटी में सहयोग करेगा। साथ ही यह भी अनुरोध है कि प्रदेश भर में आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस में अधिवक्ताओं के द्वारा विरुद्ध योजित मुकदमे वापस लिए जाए। बस यही। वीडियो हमको